सो गुड मॉर्निंग, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल मिस्टर मनोज एंकर इंग्लिश गुरु पर स्वागत करता हूँ। इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश सीखने के लिए वीडियोज़ को देखना है और वीडियोज़ को देखकर मेरे बताए हुए मार्ग को फॉलो करना है। एंड इफ़ यू डू दिस देर इज़ नो डाउट दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू विल स्पीक इंग्लिश। तो आइए, आज मैं एक स्पेशल लेसन लेकर आया हूँ। आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, जिसे आप V3 और V4 कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है ग्रामेटिकल टर्म में, और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है ग्रामेटिकल टर्म में। जिरंड भी कहा जाता है ग्रामेटिकल टर्म में, लेकिन उसका डेफिनेशन अलग अलग होता है। खैर, हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, हम केवल कम समय में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल और कहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को 10 ये बेसिक आप लोगों को जानकारी दूंगा, बेसिक वर्ड्स हैं जो 10 मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है। इन 10 वर्ड्स को हम लोगों को जानना है। और हमारे मन में कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न आता है कि हम वहाँ पर V3 लगाए कि V4 लगाए। वैसे अगर आप इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं तब तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बिगिनर हैं और आप शुरू कर रहे हैं या थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको पहले से आती है तो आपको ये सारे कन्फ्यूज़न्स ज़रूर होते होंगे, और मुझे इस पर पूरा यकीन है। तो आज से ये वीडियो देखने के बाद आपके इस कन्फ्यूज़न को मैं कम्प्लीटली इराडिकेट कर दूँगा, अगर आप बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को वॉच करते हैं और मेरे बताए गए शब्दों पर और मेरे बताए गए डेफिनेशंस पर और यूजेस पर आप ध्यान देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले पढ़कर सुना दूं कि मैंने लिख क्या रखा है, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजिंग, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइंग, प्लीज्ड, प्लीजिंग, बोर्ड, बोरिंग, शॉक्ड, शॉकिंग, अमेज्ड, अमेजिंग, सरप्राइज्ड, सरप्राइजिंग, astonished, astonishing, tired, tiring। आपने नोटिस किया कि एक तरफ ईडी आपको दिख रहा होगा और एक तरफ आईएनजी आपको दिख रहा होगा। सबसे कॉमन वर्ड मैंने ऊपर लिख रखा है इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग। कई बार इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम कब बोले इंटरेस्टेड और कब बोले इंटरेस्टिंग। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी ईडी वाले आपको दिख रहे हैं ये आपको तब बोलना है जब आप उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं जो इधर लिखा हुआ है। आप पहुंच चुके हैं इंटरेस्ट वाले कंडीशन में, कंफ्यूज वाले में, सेटिस्फाई वाले में, प्लीज वाले में, बोर वाले में, आप वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर आप उस कंडीशन में हैं तो आप ईडी वाला बोलेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ है ऐसी जो कि आपको ऐसे कंडीशन में पहुंचाती है तो आप आईएनजी वाला लगाएंगे। मैं एक बार फिर से अपने एक्सप्लेनेशन को रिपीट करता हूं। जब आप इन शब्दों के मीनिंग वाले कंडीशन में पहुंच चुके हैं, जैसे इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, तो रुचि वाले कंडीशन में आप पहुंच चुके हैं तो आप ईडी वाला यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज है जो इन शब्दों के मीनिंग वाले कंडीशन में आपको पहुंचाती है तो वहां पर आप आईएनजी वाला यूज करेंगे। जैसे आप बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूँ, यानी कि इंटरेस्ट वाले कंडीशन में आप पहुँच गए हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, दे आर इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड मूवीज। तो जब आप इंटरेस्टेड हैं, आप इंटरेस्ट ले चुके हैं तो आपने इंटरेस्टेड बोला। आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूँ, क्रिकेट इज इंटरेस्टिंग, क्रिकेट इंटरेस्टिंग होता है मतलब रोचक होता है। मैं क्रिकेट में रुचि लेता हूँ, ले चुका हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, और क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम, क्रिकेट एक रोचक खेल है। आपने देखा दोनों का यूज हो गया। कन्फ्यूज्ड, शी इज कन्फ्यूज्ड, वह कन्फ्यूज्ड है, मतलब कि उसको कन्फ्यूजन हो गया है, उस कंडीशन में वो पहुंच चुकी है। द क्वेश्चन इज कन्फ्यूजिंग, ये क्वेश्चन ना बड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है तो इसका मतलब मालूम है ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन वाले कंडीशन में ले जा रहा है। द क्वेश्चन इज कन्फ्यूजिंग।
सेटिस्फाइड, जब संतुष्टि के दौर में आप पहुंच गए, ही इज सेटिस्फाइड विद योर आंसर, ही इज सेटिस्फाइड विद योर आंसर, वह तुम्हारे आंसर से संतुष्ट, यानी कि संतुष्टि वाले कंडीशन में वो पहुंच चुका है। और सेटिस्फाइंग अगर आपको यूज करना होगा, योर आंसर इज सेटिस्फाइंग, योर आंसर इज सेटिस्फाइंग, तुम्हारा उत्तर संतोषप्रद है, मतलब कि वो संतोष दे रहा है, संतोष वाले कंडीशन में ले जा रहा है। प्लीज्ड मतलब होता है प्रभावित या खुश। आई एम प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस, आई एम प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से प्लीज्ड हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारे प्रदर्शन से प्रभावित हूँ या खुश हूँ, उस कंडीशन में मैं पहुँच चुका हूँ। योर परफॉर्मेंस इज प्लीजिंग, तुम्हारा जो प्रदर्शन है ना वो प्रभावित करने वाला है, मतलब कि मुझे उस कंडीशन में ले जा रहा है। योर परफॉर्मेंस इज प्लीजिंग, वैसे ही आप देखिए, दे आर बोर्ड मतलब वो लोग बोर हो गए हैं, दे आर बोर्ड। याद रखिएगा इज एम आर के साथ मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सबका दोनों तरफ का मैं यूज एडजेक्टिव की तरह कर रहा हूँ, और जब आप एडजेक्टिव से कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं ना, तो आप याद रखिएगा कि बी का रहना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ बी लगा रहा हूँ, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर मैं लगा रहा हूँ। दे आर बोर्ड मतलब कि वे बोर हो गए, द पिक्चर इज बोरिंग, ये पिक्चर बड़ी बोरिंग है, ये आपको बोर कर रही है, बोर करने वाले कंडीशन, बोर वाले कंडीशन में आपको लेकर जा रही है, द पिक्चर इज बोरिंग। शी इज शॉक्ड एट हिज डेथ, शी इज शॉक्ड एट हिज डेथ, वह उसके डेथ पर शॉक्ड है। शॉक्ड कब होता है कोई, जब सदमा लगता है तो बोलते हैं कि मैं शॉक्ड हो गया, वह शॉक्ड हो गया। ही इज शॉक्ड एट, शी इज शॉक्ड एट हिज डेथ, वह उसके डेथ पर शॉक्ड हो गई है। हिज डेथ इज शॉकिंग, उसका डेथ बड़ा शॉकिंग है, मतलब कि सदमा देने वाला है, तो ये उस कंडीशन में ले जा रहा है, उसका डेथ शॉक वाले कंडीशन में लेकर जा रहा है, तो हिज डेथ इज शॉकिंग। शी इज अमेज्ड एट योर मैजिक, मैजिक का मतलब होता है जादू। शी इज अमेज्ड, वह अचंभित है, अमेज्ड का मतलब क्या होता है, अचंभित। शी इज अमेज्ड एट योर मैजिक, वह तुम्हारे जादू पर अचंभित है, तो अमेज्ड मैंने लगाया। योर मैजिक इज अमेजिंग, योर मैजिक इज अमेजिंग, तुम्हारा जादू ना एकदम अचंभित कर देने वाला है, तो उस कंडीशन में ले जा रहा है। वी आर सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, हम लोग ना आश्चर्यचकित हैं रिजल्ट पर, रिजल्ट निकला, और अगर आपको आपको उम्मीद था कि 20% लोग पास होंगे, 80% पास हो गए, तो वी आर सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, हम लोग सरप्राइज्ड हो गए, उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। द रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, परिणाम अप्रत्याशित है, आश्चर्यजनक है, द रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, तो आईएनजी लगा दिया। एस्टॉनिश्ड का भी मतलब होता है अचंभित होना, दे आर एस्टॉनिश्ड, वे लोग अचंभित है, दे आर एस्टॉनिश्ड, दिस इज एस्टॉनिशिंग, यह ना एकदम एस्टॉनिशिंग है, आश्चर्यचकित कर देने वाला, अचंभित कर देने वाला है। टायर्ड टायरिंग, शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है, मतलब कि थकान के कंडीशन में वो पहुंच चुकी है, तो शी इज टायर्ड, और यहां पर टायरिंग है, दिस वर्क इज टायरिंग, यह काम ना थका देने वाला है, यह आपको उस कंडीशन में ले जाएगा, तो वहां पर टायरिंग यूज करेंगे। तो अभी आपने देखा मेरे दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों दोनों लोगों ने कि किस कदर ईडी और आईएनजी का यूज हम अपने इंग्लिश में कर सकते हैं, और ये 10 वो कॉमन वर्ड्स हैं जिनकी हमारी डेली इंग्लिश में हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आज से आप शुद्ध बोलें, तो इन ईडी और आईएनजी वाली जो बात मैंने बताई, इसको परफेक्टली आप अपने दिमाग में ले लीजिए, और विदाउट एनी हेजिटेशन आप इनका यूज़ करें, बशर्ते कि रूल्स को फॉलो करते हुए यूज़ करें, और आपकी इंग्लिश अच्छी लगेगी, और आप एक बेटर स्पीकर कंसिडर किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, एक और वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। आज आप मेरे साथ बने रहे इतने समय तक के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।